नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं फॉरेस्टर वनपाल परीक्षा के पेपर के बारे में। मृदा से पौधों को प्राप्त होने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों का समूह है आयरन, जिंक और कॉपर। गाय के दूध में निम्न विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन के। तटीय मैदान के तीन भाग कौन से हैं? कोकण, कन्नड़ और मालाबार। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? बैरन द्वीप। दक्षिण एशिया का भी यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ किस प्रकार के प्रवाल टीले का उदाहरण है? प्रवाल रोधी का। दांतों का इनेमल किस यौगिक का बना होता है? कैल्शियम फोस्फेट। नेटल पादप के डंकनुमा बालों को छूने पर किस अम्ल के स्राव से जलन वाला दर्द होता है? मिथेनाइक अम्ल। सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय संलयन। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? कैंडेला। अत्यधिक चमकीले पदार्थ प्रकाश में आंखों की परितारिका पुतली को छोटा करने के लिए क्या करती है? सिकुड़ जाती है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस अम्ल के बादल देखे गए हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे भारत की मानक यामोत्तर माना है, उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरती है? मिर्जापुर। स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितने किलोमीटर कम हो गई? 7000 किलोमीटर। दक्षिण में समुद्र पार हमारे निकटतम पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे शिखर महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश सरकार की कट्टर आलोचना करने वाले किस अखबार के संपादक थे? केसरी। 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए कितने किलोमीटर दूरी का दांडी मार्च किया गया था? 240 किलोमीटर। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उनकी निर्माण तारीख को अवश्य जांच लेना चाहिए, क्योंकि तेल विकृति गंदी हो सकते हैं। इसका कारण है उपचयन। नववायु में रखी हुई लोह की चादर पर जंग लग जाती है, जंग क्या है? एक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्ण में स्थित रहता है? मैग्नीशियम। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से इनकी औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नवे नाविक का भार कितना है? 64 किलोग्राम। वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुना थी। वरुण की माता की वर्तमान आयु है 35 वर्ष। एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो? 5 लीटर। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। राम एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और मोहन उसे 24 दिन में कर सकता है। राम, मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोहन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? 24 दिनों में। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस का समूह पाया जाता है? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। एक 5.44 मीटर लंबे तथा एक 3.74 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगानी है। इसके लिए कम से कम आवश्यक टाइलों की संख्या है 176। एक जल नलिका को 2 टुकड़ों में काटा जाता है। बड़ा टुकड़ा नलिका की लंबाई का 70% है और बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितने प्रतिशत लंबा है? 400/3%। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की? 4 मई 1799। एक किसान रोजाना 10 घंटे काम करके एक खेत 8 दिन में पूरा जोत देता है
वह अपनी पत्नी के साथ रोजाना 8 घंटे काम करता है तो पूरा खेत 6 दिन में जोत देता है। उसकी पत्नी रोजाना 10 घंटे काम करके खेत में कितने दिन में जोत देगी? 12 दिन। 2 कुर्सियाँ और 1 मेज़ की लागत 700 रुपये है। 1 कुर्सी और 2 मेज़ की लागत 800 है। यदि एम कुर्सियाँ और एम मेज़ों की लागत 30,000 है तो एम किसके बराबर है? उत्तर 60। 20% की छूट से विक्रय पर वस्तु की लागत ₹596 है तो उस वस्तु की मूल कीमत कितनी थी? 745 रुपये। अंग्रेजी और गणित के एक ही परीक्षा देने वाले 105 विद्यार्थियों में से 80 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 75 गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 10 दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो कितने विद्यार्थी एक ही विषय में उत्तीर्ण होते हैं? 35। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 ग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? 35 दिनों के लिए। ए से बी दोगुना तेज दौड़ता है तथा बी सी से 4 गुना तेज दौड़ता है। एक दूरी सी ने 16 मिनट में तय की हो तो ए इस दूरी को कितने समय में तय करेगा? 2 मिनट में। 2015 में बांग्लादेश से भूमि समझौता की में कितने भारतीय एनक्लेव बांग्लादेश को हस्तांतरित किए जाना निश्चित किया गया? 111। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। एक कार 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है तो उसकी औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में होगी 13.9 मीटर प्रति सेकंड। गागरौन किले के नीचे मिलने वाली 2 नदियों का क्या नाम है? काली सिंध और आहू। 12 जिले के शाहबाद को किसके द्वारा बसाया गया? औरंगजेब के द्वारा। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? भंडदेवरा। 12। भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में किस तत्व का खनन करने का अधिकार है? मैग्नीज। कोटिले के अर्थशास्त्र में उल्लेखित दुर्गों की 4 श्रेणियों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? स्थल दुर्ग। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। सबसे उत्तम ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला। श्रीलंका ने किस वर्ष में तमिल को दरकिनार करके सिहेली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया? 1956। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए किस मधुमक्खी का मुख्यतः पालन किया जाता है? एपिस मेलिफेरा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित। बाघ दिवस है 29 जुलाई, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, वन वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व योग दिवस 21 जून। कुछ दिवस याद करने का एक ट्रिक है जिसका नाम है WEB, वेब। W का अर्थ वोटर, E का अर्थ अर्थ और B का बायोडायवर्सिटी। तीनों का ही दिवस 22 22 22 है। W से वाटर, विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। E से अर्थ, पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है और B का है बायोडायवर्सिटी, यह जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ ये फॉरेस्टर का पेपर ख़त्म हुआ। धन्यवाद।